चलिए आज अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, शंकुनीन, जिनकी ऑल इंडिया 106 रैंक है और जो कोलकाता से हैं। तो सबसे पहले, और इन्होंने एनआईटी कैलीकट ऑप्ट किया, तो सबसे पहले आपको इस रैंक और कॉलेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नाम शंकुनीन नायक है और मेरा 106 AIR था। मैं BCA करते मतलब BCA का थर्ड ईयर के साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था फ्रॉम होम, और तो मैं कोलकाता से हूँ। तो मेरा निमसेट के मेरे को निमसेट के बारे में पता चला था अराउंड अगस्त सितंबर ऑफ लास्ट ईयर, और तब मैं उतना सीरियस नहीं था अपना फ्यूचर को लेके, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी कम था, और इसी कारण मैंने 12th में JEE भी नहीं किया था। तो और तब मेरा साइमल्टेनियसली कॉलेज का कैंपसिंग भी चल रहा था, तो उसमें ही मैं फोकस कर रहा था। पर जब कैंपसिंग खत्म हुआ और मेरे को जॉब भी लग गया, तब मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया था वो जॉब लगने के बाद। तो मेरे को लगा कि हाँ, और कुछ करना चाहता हूँ तो मैं कर पाऊंगा। तो तब मैंने सोचा कि हाँ, निमसेट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन तब स्टार्ट किया था। तो मैं एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, एक स्टडी प्लान का वीडियो। उधर मतलब बोला गया था कि मतलब 11th 12th का पहले बेसिक्स क्लियर करना होगा। तो मेरा 11th 12th में मैथ्स था, तो आर एस अग्रवाल का जो बुक होता था वो मैंने कंप्लीट किया अक्टूबर तक। और फिर अक्टूबर जब आ गया, मेरा बेसिक्स खत्म हो गया, तब मैंने सोचा कि थोड़ा JEE लेवल का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ। और साइमल्टेनियसली तब सर 2020 का मैजिकल कैप्सूल कोर्स भी आया था, तो उधर सर आपका रेगुलर वीडियोस आते थे, तो वो सब मैं देखता था और प्रिपरेशन करता था। और मतलब अराउंड दैट टाइम 2020 का निमसेट खत्म हुआ, फिर इंटरव्यूज आने लगा, और एक स्पेसिफिक इंटरव्यू देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था, वो था आशीष भैया का, जिनका AIR 7 था लास्ट ईयर। तो उनका वीडियो देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला था। उन्होंने कहा था कि वो मतलब 100+ टेस्ट मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरे को लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, मेरे को भी ऐसे ही करना है। तो मैंने तब अराउंड तब दिसंबर जनवरी था, तो मैंने सोचा कि मेरे को भी एक टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए। तो तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया। सर आपका वैसे वीडियोस तो देखता था, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता था मेरे को, तो मैंने इम्पेटस का वेबसाइट खोला। अब इम्पेटस का वेबसाइट में तब अराउंड 2-3 फ्री टेस्ट थे, अभी तो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज ही फ्री में मिलता है। तब ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो 3 फ्री टेस्ट थे, तो मैंने एक तो दिया, Trigonometry 1 का टेस्ट था वो। तो मैंने जब वो टेस्ट स्टार्ट किया सर, पोर्टल इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन था कि मेरे को लगा सर ये वाला टेस्ट सीरीज तो मेरे को ज्वाइन करना ही है। क्योंकि सर मतलब ऐसा था कि हम लोग का बहुत कुछ ही तब ऑनलाइन हो रहा था, जैसे हम लोग का यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MCQ का पोर्टल था, फिर जो सर जॉब का एप्टी राउंड होता था उसका भी ऑनलाइन पोर्टल था सर। वो सब में ना थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, नहीं मतलब आप लोगों का जो इम्पेटस का पोर्टल था वो पूरा नीट एंड क्लीन एकदम अच्छा था। तो मैंने एग्जाम दिया पूरा अच्छे से। और हाँ सर, और एक बात, मैंने जब फाइनल निमसेट का एग्जाम देने गया तो पोर्टल जैसा था ना, पोर्टल मतलब बहुत ही सिमिलर था हम लोग का जो इम्पेटस का पोर्टल जैसा, तो हाँ उससे बहुत फायदा हुआ था। और जब मैंने एग्जाम कंप्लीट किया, वो Trigonometry 1 वाला मॉक टेस्ट जब कंप्लीट किया, तब उधर जो डेटा मिलता है हम लोग का टेस्ट का डेटा, इतना अच्छे से दिया हुआ था, मतलब जैसे बार ग्राफ पाई चार्ट्स देख के सब एकदम, मतलब अगर किसी को डेटा एनालिसिस करना है ना अपना टेस्ट का, तो एकदम सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मतलब इम्पेटस का जो टेस्ट है। तो उधर सब कुछ एकदम अच्छा से लिखा हुआ होता है, मार्क्स, रैंक, परसेंटाइल, ऐसा तो होता ही है। फिर क्वेश्चन वाइज कितना टाइम लगा, करेक्ट क्वेश्चन में कितना, रॉन्ग क्वेश्चन में कितना, सब एकदम सेक्शन वाइज सब एकदम बहुत अच्छे से रहता था उधर। तो उसको देख के सर मतलब मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि सर जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरा इस बार ऐसा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को खुद का पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा, ऐसा खुद के साथ एक कंपटीशन, ऐसा एक माहौल बन गया था तब। तो मैं अपना खुद का भी डेटा मेंटेन करता था, एक एग्जाम में देता था, एग्जाम का फिर मैं एनालिसिस करता था, फिर सर आपका एनालिसिस वीडियो देखता था, फिर मैं जो एग्जाम का जो डेटा है वो सब एक एक्सेल फाइल में नोट करता रहता था। फिर सर यही मैं रिंस एंड रिपीट यही करते रहता था मैं। तो फिर एग्जाम के वक्त तक मैंने यही किया कंटिन्यूअसली, तो अल्टीमेटली मैंने भी 120+ टेस्ट मैंने भी दिए थे। और फिर एग्जाम तो थोड़ा बहुत अच्छा ही गया सर, पैनिक थोड़ा कर गया था पर ठीक है, फिर मैनेज हो गया सर, और रैंक तो अभी काफी अच्छा ही आया है। देखो जैसे आपने मुझे बताया, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जॉब कहाँ पे लगा था सर? मेरा कॉलेज से 2 जॉब लगा था, एक तो विप्रो में और दूसरा डेलॉयट में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं
जिनके जॉब लग जाते हैं ना, और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मुझे जॉब ज्वाइन करना चाहिए कि एमसीए या कोई भी पीजी कोर्स करना चाहिए। मेरे पास अभी कई बार फोन आते हैं, और क्योंकि आपका लगा है मेरे पास कई ऐसे बच्चे भी हैं, आपको भी पता है कि वो आपने जॉब क्यों छोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ जानना चाहूंगा कि आपका जब जॉब लग गया था तो जॉब छोड़ने का रीजन क्या था, और फिर आपने पूरी, क्योंकि आपके पास जॉब होने के बाद कई बार ये कंफ्यूजन होता है ना क्या करा जाए विप्रो जैसी कंपनी में या टीसीएस जैसी कंपनी में, तो क्या थॉट था आपका और क्यों छोड़ा? सर एक्चुअली मतलब बात ऐसा है कि डेलॉयट का जो जॉब है सर, वो हम लोग का कॉलेज का सबसे अच्छा जॉब था, तो वो काफी अच्छा जॉब था, पर फिर भी उसका सैलरी इतना नहीं था, क्योंकि सर मतलब घर से तो नहीं काम कर पाऊंगा ना, किस कहीं बैंगलोर या फिर पुणे जाना पड़ेगा, और उधर से लिविंग कॉस्ट ऐसे हाई होते हैं, तो मतलब जितना सैलरी मिलेगा उसका मतलब 75% वो लिविंग एक्सपेंसेस में ही चला जाएगा, फिर मतलब थोड़ा मतलब अपना मम्मी को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं सर, तो इसीलिए सोचा कि आई हैव टू एम हाई। तो जैसे कि अभी एनआईटी में तो पैकेज बहुत ही अच्छा है, तो उससे मतलब बहुत फायदा होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, ये जो जॉब मिला है इसका फायदा आपको प्लेसमेंट के समय मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, ये अच्छा करा आपने कि जॉब ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अभी आप जॉब ज्वाइन कर लेते तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्लो होती, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन होती तो ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाता और वो कंप्रोमाइज ज्यादा खतरनाक होता। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा आपने कि नहीं ज्वाइन किया। दूसरा, आपके पास कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको ड्रॉप लेना पड़ा, आपने फाइनल ईयर के साथ निकाला समय। ये जैसे आपने एक अच्छी बात बोली, कई बच्चे सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू क्यों रेगुलर डालता हूं, किसी को किसी का भी इंटरव्यू क्लिक कर जाता है और उसके बाद वो अपना माइंड सेट कर लेता है। जैसे आपने आशीष का इंटरव्यू देखा दिल्ली का, जिसका ऑल इंडिया 7th रैंक था, आपको वो बात क्लिक करी, आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया और उसका देखो आज आपके सामने रिजल्ट है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को या चैलेंजेस को घर पे पढ़ना, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन जो आ सकते हैं वो तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिजिकल हो जाते हैं, पर जो नहीं आ सकते क्योंकि आज निकलना पॉसिबल नहीं है और कई सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जो कि ऑनलाइन में सेव होते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी मुझे बताओ, मुझे भी और बच्चों को भी। सर ऑनलाइन का एक्सपीरियंस एक है कि मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक था, तो मतलब इसीलिए मैंने चूज किया कि ऑनलाइन और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही करूंगा, पर सर मतलब इतना अच्छा मेरे को इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिला, इतना अच्छा मतलब मटेरियल मिला कि मेरे को उससे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। और जितना मेरे को याद है, हम लोग का जो इस बार हम लोग का जो AIR 26 शायद अमन धत्तरवाल, उनका शायद वो सिर्फ मैजिकल कैप्सूल टेस्ट सीरीज से उनका इतना अच्छा रैंक है, मतलब उसका कुछ मतलब जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है वो भी एकदम पूरा का पूरा विदाउट एनी ट्रबल्स कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हैं, और किसी का अगर घर से निकलने का प्रॉब्लम है, कहीं दूर जाके पढ़ने का प्रॉब्लम, वो घर से भी पढ़ सकता है। और सर मतलब घर पे थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है कि मतलब खुद का एनवायरनमेंट खुद सेट करना पड़ता है, पर वो एफर्ट अगर कोई लगा पाए, अपना सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाए, तो सर वर्क फ्रॉम होम मतलब स्टडी फ्रॉम होम बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सर ऐसा है कि डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है, क्योंकि सर मतलब मटेरियल इतना ज्यादा है, थोड़ा सा अगर एक दो टेस्ट भी मिस आउट हो जाए ना तो पूरा एकदम मतलब कवर करना कवर करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने, और देखो इम्पीटस का एक एम है, हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा, कोई भी बच्चा चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। अब क्योंकि देखिए जब अपन बाहर निकलते हैं तो हॉस्टल का खर्चा और फी वो नहीं कर पाता, वो ऑनलाइन ज्वाइन करता है, टेस्ट सीरीज करता है, मैजिकल कोर्स करता है, पर इम्पीटस यही कोशिश करता है कि हर बच्चा पढ़े बढ़े। आज जो इतने बड़ा क्राउड जो इम्पीटस से पूरे इंडिया का जुड़ा है वो यही रीजन है, क्योंकि इम्पीटस मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले, उसको ये फील ना हो कि यार घर पे पढ़ रहे हैं तो चीजें कम आ रही हैं, क्योंकि आपको इतना कुछ मिला कि आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि हम कहीं क्लास नहीं जा रहे हैं। सर मतलब ऐसा लग रहा था कि कंटेंट ज्यादा मिले, कम कभी भी नहीं लगा। हाँ, और बिल्कुल सही बात बोली, कई बच्चे दो तीन टेस्ट छोड़ देते हैं, कवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि सर मेरे को थोड़ा बहुत वैसा हुआ था, फिर लास्ट में मेरे को दो तीन टेस्ट एक दिन में देना पड़ रहा था। ओके, चलो तो बहुत अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। अब आपको आगे जाके अपने कॉलेज में भी ऐसी परफॉर्म करना है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो आपका प्लेसमेंट है आपको आगे के प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है, अच्छी जॉब मिलने वाली है। और ऐसे जो बच्चे कई बार मिसगाइड होते हैं या जो कंफ्यूज होते हैं, मैं कहूंगा चाहूंगा कि आप उनको भी हेल्प करो, उनको भी गाइड करो, उनको भी मोटिवेट करो। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अगेन सर।